नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। महंगोरी शोभा आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा संपन्न। सिक्किम के नामची जिले के प्रसिद्ध चार धाम मंदिर का किया दर्शन। राजधानी गैंगटॉक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बुनियादी ढांचे और पर्यटन क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। विधायक बालो राजा ने क्रादादी जिले के मुख्यालय पालिन में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक की शाखा का किया उद्घाटन। कहा, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से राज्य के सुदूर इलाकों में सरकार की योजनाओं का लाभ डीबीटी मोड में पहुंचने में मिलेगी मदद और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्र चेतना का स्वरूप एवं विकास, पूर्वोत्तर की भाषाओं का राष्ट्र आंदोलन में योगदान विषय पर आरजीयू के परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्यिक परिचर्चा शुरू। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई के पूर्व कुलपति सहित देश के कई उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा आज संपन्न हो गया। सिक्किम की 2 दिन की यात्रा के अंतिम दिन आज राष्ट्रपति ने नामची जिले के प्रसिद्ध चार धाम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर में विभिन्न स्व सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बुनियादी ढांचे और पर्यटन क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-10 पर रांगपो में पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाली अटल सेतु और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उद्घाटन किया। अन्य परियोजनाओं में ईस्ट सिक्किम में संपर्क सड़कों सहित 2 लेन की चीसो पानी सुरंग और साउथ सिक्किम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रुआंगला में गंजू लामा महिला छात्रावास शामिल है। राष्ट्रपति ने ईस्ट सिक्किम में खमडाउंग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की भी आधारशिला रखी। दुर्भाग्यवश मौसम के कारण यहाँ मैं नहीं आ पाई, इसीलिए मैं वादा की थी कि पूर्वोत्तर राज्य विशेषकर सिक्किम जिसको मैं पहुंच नहीं पाई थी वहाँ पहले मैं जाऊंगी, इसीलिए मुझे यहाँ आने की मौका मिला, इसीलिए मैं अपने आप को धन्य मने करती हूँ। सिक्किम की मेरी इस यात्रा के दौरान मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा सड़क से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके प्रसन्नता हो रही है। मुझे आशा है कि इन परियोजनाओं से सिक्किम के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि 80% से अधिक की साक्षरता दर के साथ शिक्षा की दृष्टि से सिक्किम देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मुझे बताया गया है कि उच्च शिक्षा के इनरोलमेंट में सिक्किम देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिक्किम राज्य के गवर्नमेंट और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। मुझे ये जानकर विशेष खुशी हो रही है कि सिक्किम में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन अधिक है। इस कड़ी में आज BC गंजू लामा बालिका छात्रावास का उद्घाटन करके और NIT सिक्किम के नए परिसर का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्न हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि NIT सिक्किम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा प्रदान करने वाला देश का एक उत्कृष्ट शिक्षण केंद्र होगा। सरकार देश के सुदूर इलाकों में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ DBT मोड में पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आज क्रादादी जिले के मुख्यालय पालिन में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ।
स्थानीय विधायक बालो राजा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सुदूर गांवों के लोगों को आसानी से वित्तीय समावेशन का लाभ मिलने से आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति मिलेगी। इस अवसर पर नबार्ड के महाप्रबंधक पार्थ शाह, जिला उपायुक्त हिगियो ताला और एपीआरबी के चेयरमैन डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता मौजूद थे। अभी जो भी आज रोड पे कहा जाना चाहता सर, एक उससे तो कम से कम हमारा पब्लिक का जो तकलीफ था वो थोड़ा सॉल्व हो गया। यहाँ में जैसे हमारा सोलोमन स्कीम है और पंडित जिंदल स्कीम है और जो अनएम्प्लॉयमेंट के सिवाय है स्कीम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमें लोन दिया जाता है, कोई दुकान इस्टेब्लिश करना, कोई वो करना आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें जो 50% हमारा गवर्नमेंट का फ्री सब्सिडी हो जाता है, उसको अगर हमारा लड़का अगर अवेल करेगा तब जाकर लड़का का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होती है। उसमें हमारे क्या होता है कि स्टेट बैंक में सेंक्शन नहीं देते, उन लोग का स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं होते। और अगर हम गवर्नमेंट का हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंटरव्यू करेगा, हम 25 आदमी को सिलेक्ट कर देगा, तो उन लोग वो 25 आदमी को देने में कम से कम 5-6 लाख जाता है, तो स्कीम ही खत्म हो जाता है अपने 1-2 करके देता है, तो उसमें हमारा सक्सेस नहीं होता था। तो शायद आज रॉयल बैंक आने के बाद में वो स्कीम सक्सेसफुल होगा, जो हमारा जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा वो भी फुलफिल होना चाहिए। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप एवं विकास, पूर्वोत्तर की भाषाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान विषय पर आज से राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख के परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्यिक परिसंवाद शुरू हुआ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, राजीव गांधी विश्वविद्यालय और भाषा पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक परिचर्चा कार्यक्रम में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राममोहन पाठक, इग्नू, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन सहित कई प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हमारा नहीं है, दीप एक चुनौती देता है हमें अंधकार में। रवि जी यहाँ बैठे हैं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ 50 साल से काम करते हुए, 1957 में धर्मयुग में काम शुरू किया, 1972 में धर्मयुग में काम शुरू किया था, आज 51 साल पूरे हो गए। 52वां होता है, रविशंकर रवि जी, रेड्डी साहब, आप सब विद्वान, अपने चौबे जी, सभी विद्वानों को नमस्कार करते हुए, केवल एक बात हमें देखनी है कि इस आयोजन का प्रतिफल क्या होगा, इसका गंतव्य क्या होगा, हमको कहाँ जाना है। हमको जाना वहाँ है कि जो तपस्या साहित्य साधकों ने इन 8 प्रांतों में की है, 7 बहनों के जो राज्य हैं और 8वां राज्य जो सिक्किम शामिल हुआ है, उसमें जो साहित्य साधना हुई है उससे पूरे देश को हमको अवगत कराना है। एक संवाद का अवसर है। हमारे यहाँ कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोधा, लेकिन आज बड़े विघ्न संतोषी लोग हैं समाज में, अगर हम अच्छा कुछ काम करें तो वो जरूर निश्चित रूप से प्रतिवाद करेंगे। तो प्रतिवाद का कोई स्थान हमारे इस समाज में, रचना धर्मिता में, रचनात्मकता में, साहित्य के क्षेत्र में संवाद का ही स्थान है। कि हिंदी भाषा का जो मिलन है पूर्व उत्तर के राज्यों में, खासकर अरुणाचल प्रदेश में, वो इतना अभिन्न सा हो गया है कि अलग अलग करने में मुश्किल से नजर आती है। उन्होंने एक बात और कही कि एक आम अरुणाचली व्यक्ति जब मिलता है, अगर वो एक दूसरे से पूर्व परिचित है तो वो शायद अपनी ही ट्राइब की भाषा में बात शुरू कर सकता है या करता है, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में पहले शुरुआत करता है, जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति उसी की ट्राइब का है और वो भाषा जानता है कि नहीं जानता है। तो ये एक एक अच्छी सोच है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संगीत कलाकारों में से एक सुधा कांत कहे जाने वाले भूपेन हजारिका की आज पुण्यतिथि है। ब्रह्मपुत्र के बॉर्ड के रूप में लोकप्रिय भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया शहर में हुआ था। 5 नवंबर 2011 को मुंबई में 85 वर्ष की आयु में भारत रत्न से सम्मानित भूपेन दा का निधन हो गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर हजारिका को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि अरुणाचल हमारा, गीत आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। दिल में उतर आओ मेरी दिलदार, प्यार की पुकार है
दिल में उतर आओ मेरी दिलदार। प्यार की पुकार है, प्यार की पुकार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आगामी 25 नवंबर को रिलीज होने वाली कॉमेडी हर फिल्म भेड़िया में अरुणाचल प्रदेश के जीरो, सगाली और पाके केसांग सहित कई मनोरम स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। भेड़िया फिल्म के एक्टर वरुण धवन और भेड़िया की पूरी टीम ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िए ने मुझे ही क्यों काटा है? लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना। आज की कपोटी में से किसी इंसान की हड्डी का अंश मिल गया। जिसका जैसे दांत मेरी ना लिटरली फटती है और फटके ना पीछे से पूंछ निकलती है। स्पीयर हेड आर्मी पब्लिक स्कूल लिकाबाली के कक्षा 5 के छात्रों ने आज सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग का भ्रमण किया। भारतीय सेना की विद्यार्थी सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के तहत इस दौरे में छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर गौरव शेरन ने छात्रों और उनके अभिभावकों का स्वागत किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित देश के पहले पीडब्ल्यूडी आइकन्स राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयुक्तों ने दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए बनाए गए पीडब्ल्यूडी ऐप 2.0 की शुरुआत की, चुनाव के प्रति संवेदनशील के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रियाओं और गतिविधियों को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति की अक्षमता नहीं होती है। श्री कुमार ने कहा कि आयोग चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए मिलने वाले सुझाव पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश के ज्वाइंट सीईओ लीकेन कोयू और राज्य के पीडब्ल्यूडी आइकन थुपतेन सेरिंग और राज्य चुनाव आयोग के कई अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में हिस्सा लिया। विधायक बालू राजा ने करादादी जिला अस्पताल परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। विधायक बालू राजा ने बताया कि पूर्वोत्तर परिषद की सहायता से जिला अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए स्थानीय लोगों द्वारा दी गई भूमि की सुरक्षा के लिए चार दीवारी का निर्माण किया गया है। ये अरुणाचल का फर्स्ट कीर्ति वेदित हॉस्पिटल, उस समय में कीर्ति वेदित हॉस्पिटल का कोई पता ही नहीं था। एंड ये जो रिपेयर हम असम आपका ये जो असम से हम कलेक्शन करे थे, तब हम एनएसी से लेकर आया था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था 4.98 लाख। उसी में ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड फिर नाता किया एंड प्लस पब्लिक जितना जमीन जो दिया था उसका पूरा हम लोगों ने बाउंड्री बांध दिया। एंड सेकेंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सोनम युद्रोन ने पासीघाट में आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएपीआईओ और जनप्रतिनिधियों को आरटीआई एक्ट के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर विधायक निनोंग इरिंग, जिला उपायुक्त ताई तागू, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आरटीआई एक्ट का जो अवेयरनेस फिर कैंपेन करने जा रही हूँ पब्लिक के लिए, खास करके एपिलेंट और पब्लिक लीडर्स और अदर पब्लिक मेंबर्स को, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एपिलेंस भी और पब्लिक अथॉरिटीज भी जो जो पीआईओस है
वो भी पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, पब्लिक का बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो वो दोनों जो है तालमेल रख करके एक दूसरे को कोऑपरेशन करना चाहिए और एक दूसरे को कोई हरासमेंट देना नहीं चाहिए, सिस्टमेटिक। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख के ग्राउंड में आज से शुरू हुए अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में प्रसार भारती ने बीएसएनएल की टीम को 46 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर बीएसएनएल की टीम ने प्रसार भारती को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। प्रसार भारती ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में बीएसएनएल की टीम 8 विकेट पर 115 रन ही बना पाई। Perhaps all the central government organization who are in and around this institution or in the capital complex or in Arunachal, they'll join us and make such wonderful Saturday and Sunday memorable. Yes. अरुणाचल टग ऑफ वॉर एसोसिएशन ने हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 35वीं सीनियर टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ईटानगर में शुक्रवार को आयोजित सम्मान समारोह के दौरान लुमला से विधायक जाम्बे ताशी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।